मैडम चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव में तो भाजपा। भाजपा क्या आपकी तो वोट नहीं बनी होगी? बनी अब, मतलब कि इस साल आई। बन गई तो पहली वोट किसको दे रहे हो? कैलाश विजयवर्गीय मामा। मामा शिवराज मामा। शिवराज मामा तो मामा ने कुछ कहा? ये कहने का मतलब कर रहा है कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो कोई भी हो, पर मेरा ये कहने का है कि लड़कियों के लिए हर चीज का बराबर का हक मिलना चाहिए कि ताकि वो बाहर लिखे तो अपनी आजादी की जिंदगी जी। ये तो सही बात है आपकी। मैं तो ये कहूंगी, मैं तो दोनों को भी दे दूंगी, तो मेरा ये कि पहले लड़कियों की जो औरत होने की उनकी लेडीज का समाधान होना चाहिए। तो बीजेपी क्या कर रही है वो? ये तो सब अगर सब लड़कियां अगर सब लेडीज ने साथ में मिलकर इस चीज का हक करेंगे तो सबको मिलेगा समान। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? आशी। आशी तो पहली वोट आपकी बीजेपी को जाएगी कैलाश विजयवर्गीय। क्यों बीजेपी से इतना उम्मीद क्यों है आपको? क्योंकि सब वैसे बस ये कि ना सब साथ में है तो सबका यही है जो लेडीज होने का जो हक है वो मिल रहा है। ज्यादातर लेडीज बीजेपी को दे रही है। हाँ सुना तो है कि बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को लेकर इतनी पॉजिटिविटी क्यों है? क्या काम बीजेपी के ऐसे हैं जिनको लेकर? हम एग्जांपल दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि वो भी बिलोंग करते हैं बीजेपी से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज है जो कि राहुल गांधी नहीं कर पाए। अच्छा। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर हो कि जो छोटे छोटे हैं जो मिनिस्टर है जैसे कैलाश विजयवर्गीय, तो वो भी हम तो उनको मोटिवेट करेंगे कैलाश विजयवर्गीय होंगे। अच्छा चेहरा आपके सामने पीएम का है और तमाम चीज़ें छोटी हैं, मतलब उसके बाद तमाम लोगों को आप पसंद करते हैं। हाँ लड़कियों को लेकर क्या अच्छा काम किया बीजेपी? एग्जाम्पल अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना को आयोजन किया था जहाँ पर अभी स्टार्टिंग तो 1000 rupees से किया था, अब वो धीरे धीरे 3000 कर रहे हैं जिसके अंदर हम भी इंक्लूडेड है। स्पेशल कोई छोटी कास्ट के छोटी कास्ट के भी नहीं मिल रहे हैं, जो भी मतलब हम लोग भी जैसे अगर देंगे तो वो हमको भी वो वाली स्कीम। ऐसा नहीं कि वो जाति पाति का मामला नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सभी को सभी महिलाओं को। हाँ सभी को ही दे रहे हैं वो, तो इससे काफी खुश है महिला है। लड़कियाँ भी खुश है, लड़कियों को भी लगाओ। और लड़कियों को छात्रवृत्तियाँ मिल रही है, उससे लड़कियाँ पढ़ रही हैं आगे बढ़ रही हैं, सभी है ना सब कुछ हो रहा है लड़कियों के लिए, लेडीज होने के लिए भी सब कुछ अच्छा काम धंधे सब कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि सभी चीज का हक मिल रहा है। आपका नाम क्या है? वैष्णवी रघुवंशी। रघुवंशी क्या माहौल है यहाँ चुनाव में, कौन जीत रहा है? कैलाश विजयवर्गीय। क्यों कैलाश विजयवर्गीय? क्यों काम करे उन्हें अच्छे और सब उनको ही वोट देंगे, कमल ही जीतेगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जो पूरा राजनगर है, यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा ही बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, तो आप झंडे टंडे से काम नहीं यार, मन की बात बताओ। देखो ना मन में भी तो सब बीजेपी ही है, यहाँ हिंदू का है, हिंदू का वो चल लगाने से तो मोटिवेट कर रही है लोगों को। तो आप मोटिवेट हो रहे हो? यस। तो आप बताओ बीजेपी क्यों? अच्छे काम कर रहे उसने और क्या, सब उसको ही वोट देंगे। कौन कौन से अच्छे काम है? अच्छे काम कर रहे हैं। लड़कियों को लेकर क्या अच्छा काम किया बीजेपी ने? अभी वो कैलाश विजयवर्गीय जीतेगा तो लड़कियों के लिए योजनाएं खुलेगी, और लड़कियों के लिए क्या बोलते जो बहुत कम काम कर सकते थे ना उनके लिए 70% काम का वोट बन गया। मुझे अभी वोट नहीं डाल सकती। अच्छा, और मेरे घर से सब वोट बन चुका है, तो मेरा फर्स्ट वोट तो बीजेपी को ही जाएगा क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है नरेंद्र मोदी जी, तो मैं उनको ही वोट देना चाहूंगी। तो बच्चियां तो कैलाश विजयवर्गीय को और मोदी जी को देखकर, महिला क्या देख रही है? महिलाओं का ये है कि जैसे आजकल की महिलाएं हैं सब आगे बढ़ने लगे, काम धंधा सब अपना बिजनेस करने लगे, छोटा मोटा जो है उनका लोन इनको सब दिला रहे हैं सरकार, तो इससे है ना महिलाएं आगे बढ़ रही है, सब अपना छोटा रोजगार लेके चल रही है, जैसे घर में आजकल करने लगे है कोई किसी के दबाव पे काम नहीं कर रही, सब अपना छोटा है। एग्जाम्पल और है महापौर जी जो अपने वो है पुरुषोत्तम भार्गव, वो अभी हम जैसे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी बीजेपी अच्छा कर रहा है कि आगे जाके उनको गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कंपनी में जॉब मिलना इजीली हो जाएगा कि वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो सभी जिस फील्ड की लड़के है उसी फील्ड की इंटर्नशिप? नहीं वो किसी फील्ड में भी इंटर्नशिप में जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं बिजनेस में हूँ तो वो बिजनेस में इंटर्नशिप देंगे, ये इंजीनियर में है तो ये इंजीनियर में इंटर्नशिप दे सकते हैं, तो इनकी साइड निकली हुई है मध्य प्रदेश की, वो मुझे आइडिया नहीं कौन सी साइड है पर मैंने एनरोल किया था अभी निकली थी। और दूसरा मोटिव ये है स्वच्छता कि महापौर जी ने भी स्वच्छता में बहुत किया था, अभी साइकिल रैली निकली थी नो कार्ड डे, तो ये सिर्फ बीजेपी कर सकता है, कांग्रेस के दिमाग में तो ये सब चीज़ें आ भी नहीं सकती कि स्वच्छता या साइकिल डे से कुछ करके भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे तो उन्होंने काम नहीं किया? इधर मैं रहती नहीं हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरा जो रामचंद्रनगर है वहाँ मुझे दिखता है कि हाँ कि है पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ लोगों ने लोगों को पानी भी नहीं मिलता है, सब पानियों की वजह से परेशान है, नर्मदा नारायण खुलवाई शिवराज चौहान ने सब दूर जल जल दे दिया, तो सबके घर पानी है। और महिलाओं को रोजगार में काफी हेल्प की है आप कह सकते हैं?
हाँ हेल्प करा सबके लिए ने, सबके साथ दिया उन्होंने, छोटा मोटा धंधा सब पानी अपना कर रहे हैं। आपको आप भी कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं? मेरी तो इच्छा थी करने की, पर मेरे को क्या है ना, दो बार मैंने अप्लाई करी पर मेरा नहीं हो पाया इसकी वजह से। पर मैं लोगों से यही कहती हूँ कि लेडीजों के लिए बहुत। नमस्कार आंटी, क्या चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? अच्छा है, बढ़िया। कौन जीत रहा है? मैं तो फूल पर डालूंगा। आप फूल पर क्यों डालेंगे? जो हमारी इच्छा पड़े उस पर डालेंगे। बात तो ठीक है, वो तो बात है, ये तो है ही। हाँ। लोकतंत्र में ताकत तो है ही राजे को चुनने की। हाँ। लेकिन फूल पर क्यों डालती हैं आप? डाला हमारी मर्जी, वो सब करता है। क्या काम अच्छा लगता है आपको? आपके सब अच्छा लगा, उन्हें सब काम कॉलोनी में अच्छा लगा। अच्छा करा उन्हें कॉलोनी में सब, राजनगर में अच्छा काम। कौन आपके यहाँ से कौन उठ रहा चुनाव? गुड्डू भैया है ना, ये तो मैं नहीं जानू। देख विधानसभा चुनाव में कौन उठ रहा आपके? आप बताइए क्या नाम है आपका? माया बजाबंद। माया जी, क्या चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा है विचार, क्योंकि गुड्डू भैया ने बहुत सारी बहनों को लाडली बहना योजना भी बनाई है, गरीबों का दान राशन भी चालू करा है। विधानसभा चुनाव, विधानसभा विधानसभा में किसको चुन रहे हैं आप? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे है, कि आगे विकास के लिए भी बहुत अच्छा चुने जा सकते हैं, मतलब देश के लिए अच्छा जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। देश के लिए भी अच्छा करेंगे या प्रदेश के लिए भी अच्छा करेंगे? दोनों के लिए अच्छा करेंगे, इंदौर के लिए भी अच्छा करेंगे। हाँ, नमस्कार आंटी जी, क्या हाल है यहाँ का? बढ़िया हाल है। कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव जीतेगा कमल का फूल, कैलाश विजय जी। अच्छा, हाँ। क्यों, ऐसी क्या बात है कमल में? ऐसी क्या बात है, काम कराते है वो। अच्छा, हाँ। यहाँ से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी तो उठ रहे हैं? वो भी काम कराते ने, वो कहाँ काम कराए, कराया नहीं काम। हाँ। तो कमल जीत रहा है? हाँ। वजह क्या है, क्यों हो, मतलब क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद है, सब काम कराते है, अच्छा काम करते है वो। अच्छा, हाँ। वोट तो हम भाजपा को ही देंगे, भाजपा को, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी कार्य किया है सब सही किया है, और आगे भी उनसे यही उम्मीद है कि वो हमारे, मतलब कि कॉलोनी है, हमारे नगर है, हमारे देश है, सभी का उद्धार करे। क्योंकि है ना, कारण ये आता है कि बीजेपी जो है सरकार है, वो जो कर रही है वो सभी जनता के हित में कर रही है, बहनों के, बेटियों के, सभी के हित में कर रही है, इसलिए हमारा वोट भाजपा की तरफ ही है। क्या काम ऐसा किया भाजपा ने? बीजेपी ने ऐसा काम क्या किया कि महिलाओं के साथ है? बीजेपी ने तो सभी किया है, मतलब बहनों की रक्षा भी किएगी, महिलाओं के भी मतलब की उन्नति किएगी, कई उद्योग खुलवाएंगे, और उनके साथ में कुछ बहुत सारे ऐसे भी है कि मतलब कि परिवार के साथ में उन्होंने मदद भी किएगी, जैसे कि लाडली बहना योजना भी की है, लाडली लक्ष्मी योजना की, कई योजनाएं उन्होंने निकाली है। फायदा मिला आपको? मिला फायदा? हमें मिला है फायदा। हाँ, हमें मिला है फायदा, और हमें मिलने से भी फायदा नहीं है, हमारी बहन वो बेटी है सभी को मिल रहेगा, हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारी दूसरी बहनों को मिल रहा है, ये हमारे लिए बेहतर है। अम्मा जी नमस्कार, चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग है आपके यहाँ पर। हाँ। कौन जीत रहा है? अब कौन जीत रहा है, हम कौन की बात है, हम तो हमेशा मोदी को वोट देता है, मोदी को देंगे हम इस बार भी। हाँ। ऐसा मोदी में क्या खास है, ये तो विधानसभा के चुनाव है, तो हो दो ना, तो मोदी आएगा ना हमारे ना, यहाँ तो जो विधायक बनेंगे, विधायक चुने जाएगा ना, कौन विधायक चुने जाएगा? संजय शुक्ला है वो, विजयवर्गीय, और कौन है? विजयवर्गीय। विजयवर्गीय आएगा। पता है आपको विजयवर्गीय उठे हुए यहाँ से? हाँ पता तो है हमको।